हेलो एंड वेलकम टू कोरल डॉट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। आज आपको एक इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा मैं, कोरल ड्रॉ 2020, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है कोरल ड्रॉ का 2020। उसके अंदर कुछ क्रिएटिव इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा, एक इफेक्ट दिखाऊंगा जो मल्टीपल अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, CDTFB को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, और हो सके तो ज्वाइन बटन भी दबाएं ताकि चैनल की सपोर्ट कर सकें और चैनल को इंकरेजमेंट मिले। तो कल भी मैंने एक 2020 का आज एक वीडियो डाला था, आपने ये देखा होगा, फर्स्ट वीडियो इन कोरल ड्रॉ 2020 के नाम से था। आज फिर एक और कोरल ड्रॉ 2020 में नया वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं दिखाऊंगा एक इफेक्ट बनाना। दोस्तों, एक सबसे पहले इफेक्ट बनाने से पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। कोरल ड्रॉ के जो नए वर्जन आ रहे हैं, लास्ट 2019 में भी ये चीज दी गई थी और 20 में भी दी गई है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट वेक्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, उन इफेक्टों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इफेक्ट सबसे पहले यहाँ टॉप पर देखेंगे, ये सब इफेक्ट हैं कोरल ड्रॉ में, सबको एक जगह कोरल ड्रॉ ने दे दिया है कंपाइल करकर। इफेक्ट की कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, पॉइंटाइजर जो मैंने कल वीडियो बनाया था, कॉकटेल लेंस, एक्सट्रूड, एनवलप, ब्लेंड, कंटूर, बीवल, आर्टिस्टिक मीडिया, और ये बाकी सारे भी जो बिटमैप पर अप्लाई होते थे, ये सभी 3D से लेकर ये टेक्सचर तक सभी बिटमैप ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते थे पहले, लेकिन अब ये वेक्टर ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम, किसी भी वेक्टर पे, टेक्स्ट पे इवन, और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होंगे। यानी कि हम जिस वक्त नॉन डिस्ट्रक्टिव, वो जब के हम काम करते रहेंगे और किसी वक्त चेंज करना चाहेंगे इफेक्ट को, तो चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। सबसे पहले मैं एक लाइन क्रिएट करता हूं, चलिए इस तरह, और इसकी थिकनेस में ये पॉइंट्स में लाता हूं अपने डॉक्यूमेंट को, और ये कितने एमएम की है, 3 एमएम की कर देता हूं, ये और बढ़ा देता हूं, बोल्ड कर देता हूं, 5 एमएम कर देता हूं थोड़ी सी, ताकि आप आसानी से देख पाए। तो ये हमारी सिंपल एक आउटलाइन है। अब हम इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, जिस इफेक्ट के बारे में हम आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको विंडो में जाऊंगा, डॉकर्स में जाऊंगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को मैं ओपन करूंगा क्लिक करके। देखिए, मैंने ओपन किया तो इस तरह यहाँ ऑब्जेक्ट जो भी मेरे इस पेज पर, एक्चुअली पूरे डॉक्यूमेंट्स के दिखाता है ये, लेकिन क्योंकि मैं इस पेज पर, पर्टिकुलर पेज 1 है तो 1 पे काम कर रहा हूँ। ये देखिए पेज नंबर 1, तो उसके सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक जगह दिखा रहा है, क्योंकि एक ही लेयर में सब कुछ है, इसलिए मल्टीपल लेयर्स नहीं दिखा रहा है, ये एक ही लेयर के अंदर ये सभी कुछ दिखा रहा है। देखिए, मैं इसको ऐसे मिनिमाइज कर दूंगा, ये सब गायब कर देगा, लेकिन ये सबसे आखिर में मैंने एक लाइन, एक कर्व क्रिएट की है, तो ये सबसे ऊपर दिखा रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ सिर्फ एक आई का ऑप्शन हाइड करने का और ब्लॉक करने का दिखा रहा है, लेकिन अभी मैं इसमें इफेक्ट अप्लाई करूंगा तो यहाँ एक इफेक्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, बॉटम में एक इफेक्ट का ऐड किया है इन्होंने, कोरल ड्रॉ ने 2020 में, ये 2019 में भी था ये। तो इफेक्ट पे भी अगर आप जाएंगे तो यहां से आप ये सारे इफेक्ट देख सकते हैं, जो कि हम यहां, यहां से लेकर यहां ट्रांसफॉर्मेशन तक के देखेंगे, यहां देखेंगे आप सभी कुछ, ये ट्रांसफॉर्मेशन तक दिखाएगा आपको। तो हम जो अप्लाई करेंगे, क्रिएटिव कैटेगरी में जाएंगे और यहां से हम स्कैटर इफेक्ट डालेंगे। हम आज इस एक इफेक्ट के बारे में सीखेंगे सिर्फ, इसके पॉसिबल यूज क्या क्या, कुछ तरीके मैं बताऊंगा, बाकी आप अपने आइडियाज से, टेक्निक बेसिकली मैं बताऊंगा। तो हम अप्लाई करेंगे तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो हम इसको दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक तो ये इसका जो बटन है, इसको हम ऑफ करके ऑन कर, ऑफ कर देंगे तो ये स्लाइडर मैनुअली एक एक मूव्स हो सकता है इस तरह। लेकिन अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, ये सपोज कीजिए 14:14 पे हमने ऑफ किया, तो यहां पर हम इसको लॉक कर देंगे बटन को, तो ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, हम कोई सा भी टॉप का या बॉटम का कहीं का भी हम मूव करना चाहेंगे तो दोनों एक साथ मूव होंगे। और अब हम इसको बटन को दोबारा से अनलॉक कर देंगे, तो यहां से
हाइट या विथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको हम मूव कर सकते हैं। और इस बीच में जैसे स्लाइडर की पोजीशन इतनी दूरी पर है, हम इसको फिर से लॉक कर देंगे तो अब ये ऑटोमेटिकली दोनों एक साथ आ जाएंगे, देखिए इक्वली। तो अब हम इसको एक्सट्रीम कर दिखाते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ रहा है हमारे डिफेक्ट। ये देखिए इस तरह का स्कैटर डिफेक्ट एक बन जाएगा, देख रहे हैं, जो कि आमतौर पर अगर आप बनाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है। इस तरह का टेक्निक आपको लड़ानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा जब जाके इस तरह का अचीव कर पाएंगे। लेकिन यहां सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आपने ये अचीव कर लिया। और यहां देखिए एक स्पेशल एफएक्स का आइकन बनकर आ गया है, यानी कि इफेक्ट बनकर आ गया है ये आपका। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या है, ये आप इसका किसी भी टाइम कलर चेंज करना चाहेंगे तो अभी ये कलर चेंज हो सकता है। देखिए रेड कर देता हूं मैं यहां से आउटलाइन का कलर, सियान कर देता हूं, ब्लू कर देता हूं, मजेंटा कर देता हूं, कुछ भी करूंगा ये आसानी से चेंज होता रहेगा, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। अभी ये देखिए ये इस तरह काम करता है। अभी इसी को इफेक्ट को मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा एक, इसमें फिल कलर कर दूंगा सियान, इस तरह आपको आसानी से समझ आएगा डिफरेंट कलर में। देखिए यहां से मैं फिर से वही इफेक्ट अप्लाई करूंगा, क्रिएटिव में जाऊंगा और स्कैटर्ड इफेक्ट अप्लाई करूंगा। ये देखिए रेशियो भी वही है इसकी जो सेट थी, अप्लाई कर दूंगा ओके। तो इस तरह आ गया, ये आउटलाइन थी, ये फिल था, समझ रहे हैं आप, आसानी से आपको समझ आएगा। अब इसको एक और इफेक्ट को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए टेक्निक बड़े बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझनी इसकी थ्योरी जरूरी है। देखिए कुछ नहीं करूंगा मैं, आपको दिखाता हूं फिर से एक बार, क्रिएटिव में जाऊंगा, सब कुछ वही सेटिंग रखूंगा। ये देखिए और इसको सॉरी मैंने फुल पर ही रखूंगा, ओके कर दूंगा, इस बार इसको ग्रीन कर देते हैं। देखिए तो ये आउटलाइन है, ये फिल दिखा रही है क्योंकि सिंगल स्ट्रोक है, लेकिन क्योंकि ये फ्रेम बन गया तो इसलिए इसकी आउटलाइन पर इफेक्ट अप्लाई हो गया। स्कैटर्ड ज्यादा है इसलिए डिस्टेंस इसका स्कैटरिंग का ज्यादा हो गया। अब इसको किसी भी टाइम हम कलर चेंज कर सकते हैं, अभी ये भी आपने समझ लिया काम करते करते। लेकिन जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे इससे, सपोज कीजिए हमें फाइनल इफेक्ट ये बन गया हमारा और हम इससे सेटिस्फाई हैं, तो हम इसको फाइनलाइज करने के लिए इफेक्ट में जाएंगे और यहां से फ्लैटन इफेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहां जो इफेक्ट का एक आइकन था वो गायब हो गया। अब देखिए कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, ये इफेक्ट का आइकन है। अब मैं इसको फिर से फ्लैटन इफेक्ट करूंगा तो ये आइकन गायब हो गया, दैट मींस ये अब बिटमैप इमेज बन गई है एक। अब ये एक इफेक्ट इमेज बन गया है, इफेक्ट नहीं रहा। अब ये आप आउटपुट के लिए कहीं भी आप फाइल को कॉपी कर अगर किसी को देंगे या मेल करना चाहेंगे किसी क्लाइंट को, किसी वेंडर को अपने, तो ये इसी तरह मेल हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अदरवाइज आप इसकी ओपन फाइल अगर भेजेंगे तो पॉसिबिलिटीज हैं कि उसके पास ये वाला वर्जन नहीं है 2020, इससे लोअर वर्जन में ओपन कर रहा है, मान लीजिए X7 में 17 में 18 में ओपन कर रहा है, उसके पास ये इफेक्ट की फैसिलिटीज नहीं है नॉन डिस्ट्रक्टिव वाली, तो ये उसके पास ओपन नहीं होगा इफेक्ट। तो ये इसके फायदे हैं। अब हम देखेंगे इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसको एक बार हटा देते हैं सबको। अब आपने समझ लिया ये क्या है और किस तरह काम करता है। अब सपोज कीजिए हम कोई डिजाइन बना रहे हैं, इस तरह पेज डिजाइन कर रहे हैं कोई, इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, चलिए ये आउटलाइन रखते हैं अभी फिलहाल, और इसी का एक कॉपी हम करते हैं, कॉपी और हम यही पेस्ट कर देंगे सेम प्लेस पर पेस्ट, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, टॉप या बॉटम वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। देखिए मैं सिर्फ टेक्निक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से शेप टूल लेंगे हम, आराम आराम से देखिएगा, हम इस पर सेंटर में सिंगल क्लिक करेंगे या कन्वर्ट टू कर्व पे जाएंगे और इस तरह इसको बॉटम में थोड़ा सा लाएंगे, थोड़ा सा कर्व बना देंगे, कुछ भी बना सकते हैं शेप, मैं सिर्फ टेक्निक समझा रहा हूं कि क्या क्या करना पॉसिबल है। तो इस तरह हम कुछ बना लेंगे कर्व, इस बार इसमें हम इस आउटलाइन को थोड़ा सा हम, देखिए मैं बताऊं अभी आपको क्यों करना चाहता हूं, मैं इसको यहां रख लेता हूं,
इस आउटलाइन को हम क्या करेंगे, यहां से एजेस से रफ ऐसे ही रैंडम आउटसाइड कर लेंगे। हमें देखिए कितनी अच्छी नहीं लग रही है मैं जानता हूं, लेकिन क्यों कराया उसकी थ्योरी मैं भी आपको बताऊंगा। यहां से इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं, देखिए ये हमने ब्लैक कलर कर लिया और आउटलाइन इसकी नन कर दी। अब हम इस पे ये अप्लाई करेंगे इफेक्ट। यहां से जाएंगे हम क्रिएटिव में जाएंगे और स्कैटर्ड में जाएंगे। देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। स्कैटर्ड हमें जितना रखना होगा, देखिए ऑटोमेटिकली हैंड टूल दे देता है ये, ड्रैग कर आप मूव कर पोजीशनिंग कर सकते हैं जहां भी आप देखना चाहें। स्क्रोल करेंगे माउस से तो जूम कर देख सकते हैं इफेक्ट को, रिवर्स माउस को स्क्रोल करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो अब आप कितना देना चाहते हैं इस इफेक्ट को, इस पर वो आपके ऊपर है। ये हल्का सा मैं दे देता हूं इसको 73%, ओके कर देते हैं यहाँ। तो ये अप्लाई हो गया। अब आपने देखा मैंने ये आउटसाइड के इस एरिया को क्यों करा, ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। इसको मैं पावर क्लिप कर दूं बाद में, देखिए पावर क्लिप इनसाइड दिस शेप, तो ये फिनिशिंग एजेस की बिल्कुल शार्प आएगी ब्लैक, यहां से स्कैटर्ड नहीं आएगा। और जहां मैं अप्लाई करना चाहता हूं यहां पर एक स्कैटर्ड इफेक्ट खूबसूरत आपका आ गया है। देखिए अगर आप वैसे बनाना चाहेंगे चारकोल टाइप का इफेक्ट, एकदम इतना रफ, इतना शार्प, इतना खूबसूरत आपको एकदम से नहीं मिलेगा। देखिए एक तरीका ये हो गया। अब इसको आप किसी भी टाइम कलर चेंज करके इफेक्ट बना सकते हैं। देखिए यहां आप सपोज कीजिए रेड कलर यूज किया आपने बैकग्राउंड में, और यहां पर इसको मैं ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करूंगा। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर सिलेक्शन के मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। ऑल्ट के साथ पावर क्लिप वाला माउस से ऑल्ट, कीबोर्ड से ऑल्ट क्लिक करूंगा माउस का लेफ्ट बटन, तो ये इनसाइड जो पावर क्लिप है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहां से मैं ऑरेंज कलर या कोई भी कलर जो रेड के क्लोज, यहां पर रेड पर क्लिक करूंगा, होल्ड रखूंगा और यहां पर डार्क कलर थोड़ा सा यूज कर लूंगा। देखिए यहां एक स्कैटर्ड इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा अब इसमें एक्सपेरिमेंट आप डिजाइनिंग के कर सकते हैं। तो इसका रोल खत्म हो गया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। जब ये सिलेक्ट होगा, देखिए इफेक्ट का ये नीचे इफेक्ट है, इसमें बिटमैप पर गायब हो गया और ये इस पर है, इसको क्लोज कर देता हूं मैं। अब यहां हम और क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये इफेक्ट सिलेक्ट होगा, देखिए फिर मैं इसको आउटसाइड कर लेता हूं एक्सट्रैक्ट, सॉरी मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, गलती हो गई। ये कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो गया, देखिए क्रॉस दिखा रहा है बाउंडिंग इसमें शेप में। अब हम इसको इसमें से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, यहां से जितने मेरे पास स्वेचेज हैं ये थोड़े से रखे हुए मैंने, इसमें से हम कोई यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ रेड फिल दिखा रहा है ना, तो हम यहाँ से कॉपी प्रॉपर्टीज जाएंगे, फ्रॉम कोई भी कलर फिल प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, ओके, और यहां से हम ये अप्लाई करेंगे। देखिए इफेक्ट हमारा अपनी जगह रहा, नॉन डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि अभी, और हमारा ये ग्रेडियंट फिल हो गया। अब हम इसको चाहें इसको वाइट कर देंगे दोबारा से, और इसको हम पावर क्लिप दोबारा से कर देंगे उस शेप के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप खूबसूरत इफेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह ये चीजें बनाई जा सकती हैं। अब नेक्स्ट हम टेक्स्ट पर भी इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हम सपोज कीजिए यहां पर एक हेडिंग लिखना चाहते हैं क्रिएटिव, ये हमने क्रिएटिव लिखा। यहां पर हम लेफ्ट में लेते हैं इसको, ताकि हम फॉन्ट थोड़ा सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहां पर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे हम, कोई टेक्स्ट चलिए कोई ये ले लेते हैं क्रिएटिव टेक्स्ट इस तरह का। देखिए यहाँ बहुत अच्छा है कि ये टेक्स्ट वेरिएबल फॉन्ट है, ये वेरिएबल फॉन्ट के लिए इन्होंने बड़ी अच्छी कोरल ने दिए। तो इस तरह हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा मैं डिटेल में, लेकिन अभी मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल फॉन्ट को थोड़ा सा इटैलिक कर लेंगे हल्का सा, देखिए इस तरह राइट, और इसको थिकनेस कम कर लेंगे। और यहां से हम टेक्स्ट टूल में से इसको हम कोशिश करेंगे ए को सिलेक्ट करेंगे, वेरिएबल में जाएंगे इसको बोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह इसको इटैलिक भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये देखिए इस तरह। तो अब ये हमारे क्रिएटिव सा थोड़ा सा बन गया। अब हम इसमें कुछ कर सकते हैं, इसको ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। देखिए हम इसको कंट्रोल के करेंगे, सॉरी
कीबोर्ड से कंट्रोल के ऑब्जेक्ट में आपका ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये सब सेपरेट हो गया। अब हम इस फॉन्ट के ऊपर वही वाला इफेक्ट यूज करेंगे। इफेक्ट हम सिर्फ आज एक ही यूज कर कर दिखाएंगे, आगे फिर और वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो पहले ही काफी लंबा हो चुका है। देखिए ये बहुत ज्यादा ओवर हो गया है, हम इसको कम कर लेंगे, बहुत कम, बहुत ही कम। इस तरह ये हमने अप्लाई कर दिया। अब हम इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं, हम इसको व्हाइट फिल कर देंगे और आउटलाइन ब्लैक कर देंगे तो स्कैटर्ड इफेक्ट इस तरह का आ जाएगा। स्कैटर्ड को बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अगर आप चाहें बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज उतना भी काफी है। देखिए कम भी कर सकते हैं, शार्पनेस ज्यादा आ जाएगी, देखिए इस तरह। और इसका कलर आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, देखिए कलर चेंज कर देंगे या रेड कर देंगे हम इसको और आउटलाइन को नन कर देंगे। देखिए एक अच्छा क्रिएटिव इफेक्ट बन जाएगा। इसको ग्रुप कर लेंगे किसी भी टाइम, और अभी ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव है तो कलर भी चेंज हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है इस इफेक्ट का। देखिए जो भी आप चाहें, जो भी चाहेंगे किसी भी टाइम कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक बार सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपका क्रिएटिव आर्टवर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको, मेरी सजेशन ये है फ्लैटर्न कर दें ताकि ये इफेक्ट डिस्ट्रक्टिव ना रहे। तो इस तरह ये देखिए, और इसी तरह के एलिमेंट आप लाइनिंग को ही ले लीजिए। देखिए सिंपल लाइन हम लेंगे, इसको कर्व बना लेंगे इस तरह, थोड़ा सा इस पेज से बड़ा कर लेंगे, देखिए, और इसमें एक इफेक्ट दोबारा से अप्लाई करेंगे हम, क्रिएटिव स्कैटर्ड, थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे इस बार, जूम करके देखेंगे इतना काफी है। और इसका कलर हम चेंज कर देंगे, लाइट टोन करेंगे कोई, देखिए चलिए इसमें से हम ये वाली टोन लेते हैं लाइट, और इसकी हम मल्टीपल कॉपीज कर लेंगे। देखिए माउस के साथ ड्रैग किया मैंने लेफ्ट साइड और राइट बटन से रिलीज किया तो कॉपी हो गई। अब कंट्रोल आर रिपीट करूंगा कीबोर्ड से, कंट्रोल आर तो रिपीट होती रहेगी इसकी कॉपी, देखिए इस तरह। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ग्रुप कर लेंगे इसको, ग्रुप इसको यहां प्लेस कर सकते हैं हम इस तरह, इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए अगर इसकी डायरेक्शन में चाहते हैं आप, इसकी डायरेक्शन में भी आप फ्लिप कर सकते हैं इस कर्व के अकॉर्डिंग। खैर आइडिया देना था, मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेसी के हिसाब से नहीं बना रहा हूं इस टाइम, आपको सिर्फ समझाने के लिए। इसके एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं, देखिए रोटेट करके एक कॉपी और ले लेंगे इस तरह, तो और क्रिएटिव ये बन जाएगा। ग्रुप कर लेंगे एक साथ, ग्रुप ऑब्जेक्ट टॉप से यहां तक ले लेंगे इसको, और इसको पावर क्लिप कर देंगे इनसाइड हम, देखिए ये पावर क्लिप इस शेप के अंदर, और इसको ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर देंगे, तो ये देखिए ये इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा यहां। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये स्कैटर्ड इफेक्ट वेक्टर ऑब्जेक्ट पर हम किस तरह यूज कर सकते हैं। बिटमैप पर भी इमेजेस पर यूज कर सकते हैं आप, कोई भी इमेज ले लीजिए, कोई भी इमेज नेट से मैं डाउनलोड कर लेता हूं। देखिए इमेजेस के नाम से कोई सर्च कर लेते हैं, चलिए इमेज यहां से ये वाली ले लेते हैं, चलिए एक इमेज, इसको ड्रैग कर कर हम अपने कोरल में ड्रॉ में ले आएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आसानी से। अब हम इस पर फिर से इफेक्ट में जाएंगे, क्रिएटिव में जाएंगे, स्कैटर में जाएंगे, और इस तरह इस पर हम अप्लाई कर देंगे, ये देखिए। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस तरह के इफेक्ट को जब भी अप्लाई करेंगे तो ये टोटल जहां जहां कलर सेपरेशन होंगे वहां वहां ये इफेक्ट अप्लाई होगा। सपोज देखिए आप देख सकते हैं
ब्लैक रेड के साथ मर्ज हो रहा है, जहां जहां वहां इफेक्ट का इसका वो दिखाई देगा आपको। तो इस तरह का ये काम करेगा, तो कोशिश कीजिएगा इसको टेक्निक के साथ यूज करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं एक बार इसको कैंसिल कर देता हूं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक, और अब हम इस पर अप्लाई कर देंगे स्कैटर्ड इफेक्ट। ये देखिए, दिखाने के लिए आपको, सिर्फ समझाने के लिए, बाकी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं जो चाहें। इसको काफी बढ़ा दूंगा मैं, इस तरह ज्यादा हो गया। अब इसको सेंटर इक्वल कर मैं अप्लाई कर दूंगा। देखिए, तो इससे क्या हुआ, ये इमेज जो हमने कॉपी की थी ये हमारी बाहर रही, और इसके बाहर की एजेस देखिए, इसको बिहाइंड कर दिया हमने, और इसके बाहर की एजेस कितनी अच्छी स्कैटर्ड हो गई हैं, जो कि हमें वैसे वेक्टर पे बनाना इतना आसान नहीं था। इसको ग्रुप कर लेंगे हम, इसको इस तरह यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में जहां भी हम चाहेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, कुछ क्लिक करने हैं सिर्फ और आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज को वीडियो मैं समझ सकता हूँ काफी लंबा हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन उम्मीद है बहुत यूजफुल रहा होगा क्रिएटिव इफेक्ट बनाने के लिए। थ्योरी आपको पता चल गई कि किस तरह यूज किया जा सकता है आउटलाइन पे, इमेज पे और फिल कलर पे, और बीच में किसी भी वक्त कलर, फिल कलर चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन चेंज करने के बाद फाइनल आउटपुट पे भेजने से पहले आप इसको फाइल की चाहे कॉपी कर लें, इसको इफेक्ट को फ्लैटन जरूर करें भेजने से पहले फाइल, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और कोरल ड्रॉ की टीम को हमारी ज्वाइन करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर। थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ सीडीटीएफबी।